आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, ठीक है। पहला पूछेगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने स्टेप्स हैं, तो हम लोग ये पांच स्टेप उसमें लिख करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्टेप हम लोग का होता है इंजेशन, ठीक है। ये एक कॉमन स्टेप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, खाने को बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। इसे डिफाइन कैसे करेंगे, दिस इज द प्रोसेस टेकन इनसाइड द माउथ, इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन। डाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं। तीसरा हम लोग का होता है एब्जॉर्प्शन, जो कि होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। इसमें क्या होता है, विली नाम का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसा, फिंगर क्या करता है फूड को जो सिंपलर फॉर्म में टूटा डाइजेशन में उसको क्या करता है एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा। तीसरा स्टेप हम लोग का एसिमिलेशन, इसमें क्या होता है कि जो खाना एब्जॉर्ब हुआ है विली में वो अब पूरे बॉडी में जाएगा, हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और उस फूड का यूज होगा बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ये कहलाएगा हम लोग का एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप हम लोग का जो वेस्ट मटेरियल है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं इजेशन करते हैं। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हम लोग को ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, स्टेप पूछ रहा है तो पांच स्टेप लिखेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। अगर पूछ दिया डिफाइन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तब इमेज बना करके और हम लोग इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। या तो इमेज बना करके फ्लो डायग्राम बना दो, नहीं तो एक एक ऑर्डर को लिख करके फिर हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करेंगे अगर स्ट्रक्चर और फंक्शन का, तो सबसे पहले आता है माउथ। माउथ में होता है टीथ और टंग, ठीक है। टीथ चाइल्ड में टीथ होता है हम लोग का 20 और एडल्ट में होता है 32, ठीक है। टंग का बात करें तो टंग में टेस्ट वर्ड होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा मीठा खट्टा, यहाँ पे हो जाएगा नमकीन, यहाँ पे मीठा, यहाँ पे नमकीन, यहाँ पे खट्टा और यहाँ पे होगा तीता, ये टेस्ट वर्ड का बात करता है। उसके बाद खाना माउथ से चबाने के बाद नीचे चलाता है, जिस प्रोसेस से नीचे आता है उसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाइलिसिस, और ये इनवॉलेंट्री मोमेंट है, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद खाना आता है नीचे स्टमक में, स्टमक में खाना जो आता है स्टमक में पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट करता है स्टमक का वॉल, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक वॉल कहते हैं। एक HCl सीक्रेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सीक्रेट करता है म्यूकस, तीनों का फंक्शन समझेंगे। पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन को फंक्शन करने के लिए एसिडिक मीडियम का जरूरत होता है, जिसको क्या करता है क्रिएट एसिड रिलीज करता है, जिससे एसिडिक मीडियम हो जाता है। अब मीडियम एसिडिक हो गया हम लोग पढ़े, एसिड क्या करता है डैमेज कर सकता है, कोरोसिव नेचर होता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस होता है जो क्या करता है स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है। अब खाना यहाँ से नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन सिक्रेशन होता है, एक पैनक्रियास का, दूसरा लीवर का और तीसरा हम लोग का इंटेस्टाइन का ही सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है लीवर का, लीवर में बाइल जूस रिलीज होता है। बाइल जूस क्या करता है, जो ऊपर से एसिडिक खाना आ रहा है उसको बेसिक बनाएगा। पहला काम बाइल जूस का, जो खाना एसिडिक ऊपर से आ रहा था उसमें बेस रिलीज करके उसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा इसका फंक्शन है फैट का, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको छोटा छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बाइल लीवर से जो सिक्रेट हुआ जूस बाइल जूस, उसका दो काम है, सबसे पहले खाना को न्यूट्रलाइज करना जो एसिडिक आ रहा था, उसके बाद फैट के बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल में तोड़ देना, ये ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है, पूछा जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच लार्जर फैट मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, इज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरा हम लोग आता है पैनक्रियास का, पैनक्रियास एंजाइम से क्रिएट करता है ट्रिप्सिन, और ये भी क्या करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद इंटेस्टाइनल जूस, कंप्लीट डाइजेशन यहीं पर होना है, ठीक है। खाना का कंप्लीट डाइजेशन पूछे कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, और इंटेस्टाइनल जूस से क्या करता है ये अब जो बचा हुआ खाना है जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इसको बदल देगा किसमें ग्लूकोज, उसके बाद बचा फैट, फैट को ग्लाइसरॉल में, और प्रोटीन अमाइनो से, इस तरह से खाना को बदल देगा चेंज करते हैं सिंपलर फॉर्म में। अब आ जाएगा हम लोग का खाना चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, यहाँ पे जो बचा हुआ पानी बच गया खाना में, जो एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है। उसके बाद खाना क्या होता है कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब अर्ज होगा तो हम लोग का क्या होता है खाना का जो वेस्ट मटेरियल है एनस के थ्रू बाहर आता है। तो ये कंप्लीट हम लोग का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।